أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله नूरल फरमान मुतफ़ा सल्ला वसलम नीयतुल खैर उमिन मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है अल्लाह के रज़ा के लिए बढ़ाने के लिए अच्छी अच्छी नीयतें कर लें रज़ा इलाही के लिए सवाब के लिए दिन हासिल करने के लिए बयान में शरीक रहूँगा मदनी चैनल के नाजरीन भी हंसब हाल अच्छी अच्छी नीयतें करें और याद रखें कि किसी भी अमल खैर यानी निकी के काम का सवाब बगैर अच्छी नीयत के नहीं मिलता और जितनी नीयतें ज़्यादा अच्छी अच्छी करेंगे इतना ही सवाब भी बढ़ता चला जाएगा हमारे प्यारे नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु वसल्लम का फरमाने रहमत निशान है क़यामत के रोज अल्लाह अज्वजल के अर्श के सिवा कोई साया नहीं होगा तीन शख्स अल्लाह एज वजल के अर्श के साये में होंगे अर्श की गई या रसूल अल्लाह सल्हली वसल्लम वो कौन लोग होंगे इर्शाद फरमाया एक वो शख्स जो मेरे उम्मती की परेशानी दूर करे दूसरा मेरी सुन्नत को जिंदा करने वाला और तीसरा मुझ पर कसरत से दुरुदो सलाम पढ़ने वाला अल हबीब सला मुहमद वही वबारक वसलम सलाता हूँ वसला या सैदी या सैदी या मक्की या मदनी या अरबी या करशी या हाशमी या मुतलबी या रसूल एक बुजुर्ग रहमत लाल ने मस्जिद के दरवाजे पर शैतान को हैरान परेशान देख कर पूछा क्या बात है शैतान ने कहा अंदर देखिए उन्होंने अंदर देखा तो एक शख्स नमाज पढ़ रहा था और एक आदमी मस्जिद के दरवाजे के पास सो रहा था शैतान ने बताया कि वो जो अंदर नमाज पढ़ रहा है मैं उसके दिल में वसवसा डालने के लिए अंदर जाना चाहता हूं लेकिन जो दरवाजे के करीब सो रहा है ये रोजादार है ये सोया हुआ रोजादार जब सांस बाहर निकालता है तो उसकी वो सांस मेरे लिए शोला बनकर मुझे अंदर जाने से रोक देती है अल हबीब अला मुहम्मद व अलैहि हि व सहाबीही व बारक वसल तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों रजब का जब महीना आता है तो ये इबादत गुजार रोजादार जो नेक लोग होते हैं इनके दिल में गोया एक गुदगुदी पैदा होती है सबसे पहले तो अमीरुल उसर फरमाते हैं कि रजब के महीने की आमद हमें रमजान का पता बताती है कि आ गया रमजान बस अब आ गया तो रजब का महीना आते ही <coughs> अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदनी माहौल में भी और रोज़ों का एक अहताम ये एक सिलसिला शुरू होता है तो वैसे भी फ़र्ज रोज़ों के अलावा नफल रोज़ों की भी आदत ये बनानी चाहिए इसमें बेशुमार दीनी और दुनियावी फवाद हैं और सवाब इतना है कि जी चाहता है कि बस रोज़े रखते ही चले जाए दीनी कि ईमान के हिफाजत की बिशारतें हैं जहन्नम से नजात इसकी बिशारत है जन्नत का हसूल का एक जरिया ये नफली रोजे रखने में और दुनिया भी अगर फवाद देखें तो रोजे में दिन के अंदर खाने पीने में सर्फ होने वाले वक्त भाई एक आदमी अगर एक वक्त में एक वक्त का खाना आधे घंटे में खाता है तो तीन टाइम खाना खाने में डेढ़ घंटा लगता है और अगर दो टाइम खाए तो आधा घंटा बचेगा मिसाल अगर तीन टाइम के खाने में तीन सौ रुपए खर्च करता है और दो टाइम का खाएगा तो दो सौ रुपये खर्च होंगे तो यूं वक्त की भी बचत है पैसे की भी बचत है और फिर पेट की इसलाह और बहुत सारे अमराज से हिफाजत का सामान है और जो तमाम फवाद हैं जितने भी दीनी दुनिया इसकी जो असल है वो ये है कि इससे अल्लाह राजी होता है अल्लाह ताला कुरान पाक के बाईसवें पारे के सूरत आयत नंबर थर्टी फाइव में इरशाद फरमाता है सो इमीना वो इमाती वाफिना वल वलहा

और अपनी पारसाई निगाह रखने वाले और निगाह रखने वालियाँ और अल्लाह अज्वजल को बहुत याद करने वाले और याद करने वालियाँ इन सब के लिए अल्लाह अल्लाहजल ने बख्शिश और बड़ा सवाब तैयार कर रखा है एक और मकाम पर इशाद हुआ कुलू अशरबू हनी अम बिमा फिल खिया तर्जमा कंजुल ईमान खाओ और पियो रचता हुआ सिला उसका जो तुमने गुजरे दिनों में आगे भेजा तो हजरत सईदा वकी ताला रहा तरमाते कि इस आयत करीमा में गुजरे हुए दिनों से मुराद रोजों के दिन हैं कि लोग इनमें खाना पीना छोड़ देते हैं तो मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों अहदीसी मुबारक में भी रोजे नफली रोजे रखने के सवाब ये बयान हुए हैं चुनाच हजरत सीना कैस बिन जैद जोहनी रदी अल्लाह तु फरमाते हैं कि अल्लाह अल्लाहल के महबूब सल्लासम का फरमाने जन्नत निशान है जिसने एक नफली रोज़ा रखा अल्लाहजल उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगाएगा जिसका फल अनार से छोटा और सेब से बड़ा होगा वो मोम से अलग न किए हुए शहद जैसा मीठा और मोम से अलग किए हुए खालिद शहद की तरह खुश जायका होगा अल्लाहल बरोज कियामत रोजादार को उस दरख्त का फल खिलाएगा एक और हदीस सुनिए हज़रत सदना उतबा बिन अब्द सलामी रदी अल्लाह तु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के प्यारे रसूल रसूल मकबूल सल अल्लाह तल वस का फरमाने रहमत निशान है जिसने अल्लाहल की राह में एक दिन का फ़र्ज रोज़ा रखा अल्लाह जजल उसे जहन्नम से इतना दूर कर देगा जितना सातों ज़मीनों और आसमानों के दरमियान माबेन यानि दरमिया फासला है और जिसने एक दिन का नफल रोजा रखा अल्लाह अल्लाहल उसे जहन्नम से इतना दूर कर देगा जितना जमीन और आसमान का दरमियानी फासला है रोजों के लिए अपना शेड्यूल बनाते तो बन जाता है रमज़ान शरीफ का भी महीना आता है तो कुछ ना कुछ गुंजाइश बनी जाती है तो अगर जहन होता है ना मेन चीज है इबादत इबादत का जहन जिंदगी का एक मकसद यार जिंदगी है मुख्तर इस जिंदगी में ही मुझे कुछ ऐसे अमाल करने जो मुझे आखिरत में कब्र में काम आए देखिए दुनियावी तौर पर भी इंसान अगर कमाता है भाई क्यों कमाता है भाई इसका कहते हैं कि भाई मेरा मुस्तकबिल रोशन हो जाए यही है यही है कि मुस्तकबिल रोशन हो जाए इसलिए मैं कमा रहा हूँ भाई क्यों आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं भाई इसलिए पढ़ा रहे हैं कि बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो रोशन हो जाए तो अगर वाकई मुस्तकबिल रोशन करना है तो हमारा मुस्तकबिल क्या है मुस्तकबिल क्या है हमारा मुस्तकबिल है, हमारा मुस्तकबिल आखिरत है और अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह जब कयामत के दिन हिसाब किताब हो तो हमें जन्नत में दाखिल कर देना हम लम्हा भर के लिए भी जहन्नम में दाखिल ना हो क्योंकि उसकी सजा बर्दाश्त ही नहीं हो सकेगी तो मैं आप तमाम आशिकाने रसूल अर्ज करूंगा जहन बना लें और रजब का महीने की फजीलत अल्लाह एक बड़ा प्यारा वाकत ने अपनी किताब अपना रिसाला है कफन की वापसी इसमें लिखा है क्या लिखते हैं कि हज़रत आपके दौर का वाकया है कि एक शख्स मुद्दत से किसी औरत पर आशिक था एक बार उसने उस औरत पर काबू पा लिया अब उसने महसूस किया कि लोगों में कुछ हलचले और लोग चांद देखने की तरकीब बना रहे हैं। तो उस औरत से पूछा कि लोग किस माह का चांद देख रहे हैं? तो उसने बताया कि रजब का वो शख्स हालांकि गैर मुस्लिम था मगर जब रजब शरीफ का नाम सुना तो ताजीमन वो औरत से अलग हो गया गुना से बाज रहा सीना ईसा को हुक्म हुआ कि हमारे फुला बंदे की मुलाकात के लिए जाओ आप अली सलाम तशरीफ ले गए अल्लाह का हुक्म और अपनी तशरीफ आवरी का मकसद बताया ये सुनते ही उसका दिल नूर इस्लाम से जगमगा उठा और फौरन उसने इस्लाम कबूल कर लिया तो एक गैर मुस्लिम ने क्योंकि रजब जो है ना ये पिछली उम्मतों में भी इस महीने की फजीलत थी तो, तो रजब की तादीम एक गैर मुस्लिम ने की इसको ईमान की दौलत नसीब हुई जब ईमान वाला इसकी तादीम करेगा ईमान वाला इसमें इबादत करेगा ईमान वाला पांचों नमाजी की पाबंदी करेगा ईमान वाला जब जिक्र अस्कार करेगा ईमान वाला जब सदका खैरात करेगा ईमान वाला जब नफली रोज़े रखेगा ईमान वाला जब तिलावत कुरान करेगा ईवान ईमान वाला जब लोगों से अच्छा सलूक करेगा उसने अखलाक से पेश आएगा गरीबों की मदद करेगा ईमान वाला अपने रिश्तेदारों के साथ सिले रहमी करेगा ईमान वाला अपने घर वालों की सुन्नतों की तरबीत के लिए कोशिश का एक जहन बनाएगा नहीं जो भी निकी के काम में आगे बढ़ेगा आप बताएं उसको कितनी बरकतें मिलेंगी तो ये बड़ा एक अच्छा मौका हमें नसीब हो रहा है तो अल्लाह ताला हमें इसमें खूब इबादत करने की तोहफ़ी क़त फ़रमाए सल हबीब सल अल्लाह तला महम्मद एक और रिवायत में सदना अब हुरैरा, रदी अल्लाह रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्ला वसल्लम का फरमाने रहमत निशान है जो अल्लाह जजल की रज़ा के लिए एक दिन का रोज़ा रखता है अल्लाह अल्लाहजल उसे जहन्नम से इतना दूर कर देता है जितना फासला एक कौवा बचपन से बूढ़ा होकर मरने तक मुसलसल उड़ते हुए तय कर सकता है और कहा जाता है कि कौवे की उम्र जो है ना पांच सौ साल तक होती है तो यह आप अंदाजा लगाएंगे कितनी प्यारी प्यारी इसकी फजीलत है हजरत सैयदना अबू उमामा रदी अल्लाह ता रिवायत करते हैं मैंने अर्ज की यार सुल्ला सल्ला वसल्लम मुझे कोई अमल बताइए यार नबी सल्ला वसल्लम ने इशाद फरमाया रोजे रखा करो कि क्योंकि इस जैसा अमल कोई नहीं मैंने फिर अर्ज की मुझे कोई अमल बताइए फरमाया रोजे रखा करो क्योंकि इस जैसा कोई अमल नहीं मैंने फिर अर्ज़ की मुझे कोई अमल बताइए फरमाया रोजे रखा करो क्योंकि इसका कोई मिसल नहीं और एक रिवायत में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर किसी ने अर्ज की मुझे कोई ऐसा काम ऐसे काम का हुक्म दीजिए जिसके जरिए वज़ल मुझे नफा दे फरमाया रोजे को अपने ऊपर लाजिम कर लो क्योंकि इसकी कोई मिसल नहीं तो अल्लाह तमें इसकी बरकत अताफ़ में तो जज्बा बड़ा होता था ये जो रिवायत है अबू उमामा ताला नु की, कि जब उन्होंने पूछा कि मुझे कोई ऐसा अमल बताइए जन्नत में दाखिल हो जाऊं तो सरकार सलाम ने फरमाया और रोजे को खुद पर लाजिम कर लो क्योंकि इसकी कोई मिसल नहीं तो रावी कहते हैं कि सही अबू उमामा रजियाल्ला के घर दिन के वक्त मेहमान की आमद के अलावा कभी धुआं ना देखा यानी आप जिनको खाना खाते ही नहीं थे इसलिए कि आप रोजे रखा करते थे ये जज्बा होता था ये जज्बा होता था कि जिंदगी मुख्तसर है जिंदगी बर्फ की तरह पिघलती जा रही है कहते ना जिंदगी बर्फ की तरह पिघलती जा रही है क्या तुझे एहसास है ये ये अपने आप से कोशिश करें कि हम जिनके साथ बैठते थे जो हमारे साथ होते थे जिनके साथ हमने वक्त गुजारा था जो मेरा दोस्त था मेरा भाई था है भाई वो आप कितने भाई थे जी हम चार भाई थे कितनी बहनें थी चार बहने थी वाले देन? जी हम दस अफराद थे घर के फिर वालदेन दुनिया से चले गए दो भाई चले गए दो बहनें चली गई एक तीन बहनें चली गई अब कौन रह गया दस अफराद के खानदान में से सिर्फ हम तीन रह गए दो रह गए चार रह गए तो ये सफर ऐसा है कि जो हम सब ने तय करना है जनाजा आगे आगे कह रहा है ए जहां वालो मेरे पीछे चले आओ तुम्हारा रहनुमा मैं हूं तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों हम जहन बनाएंगे तो होगा अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी के मदनी माहौल में इबादत करने का जहन दिया जाता है रोजा रखने की बरकत एक हदीस में यह भी है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु सल्ला फरमाया, जिहाद किया करो खुद कफील हो जाओगे रोजे रखो तंदुरुस्त हो जाओगे और सफ़र किया करो गनी यानी मालदार हो जाओगे तो अल्लाह ताल हमें रोज़ा रखने की तोहफ़ी का और वाकई दुनिया में भी कोई काम हम करते हैं तो मकसद क्या होता है कि मुझे बेनिफिट मिले भाई कारोबार के लिए अगर कोई सफर करता है क्यों करता है मुझे बेनिफिट मिले तलीमी मामले में भाई आपने मैट्रिक किया इंटर किया ग्रेजुएशन किया आप बहुत अच्छी पोस्ट पर भी लग गए फिर भी अगर पता चलता है कि फला कोर्स कर लूंगा तो मुझे और फ़ायदा होगा बेनिफिट मिलेगा मेरी सैलरी में इजाफा होगा मेरी पोस्ट में तरक्की हो जाएगी तो दुनियावी तौर पर तरक्की चाहते हैं ना दुनियावी तौर पर चाहते हैं कि भाई दस आदमियों में अगर हमारा नाम लिया जाए तो हमारी अच्छे अंदाज से तस्करा हो तो जब क़्यामत के दिन जमा होंगे तो कोई आठ दस अफरा तो, तो होंगे नहीं सब उम्मतें जमा होंगी उनमें क्या होगा सई नाना सरदी अल्लाह ने फरमाया कि किमत के दिन रोज़ादार कबरों से निकलेंगे तो वो रोजे की बू से पहचाने जाएंगे और पानी के कूजे जिन पर मुश्क से मोहर होगी उन्हें कहा जाएगा खाओ कल तुम भूखे थे पियो कल तुम प्यासे थे आराम करो कल तुम थके हुए थे बस वो खाएंगे आराम करेंगे हालांकि लोग हिसाब की मशक्क़त और प्यास में मुबतला होंगे तो चंद दिन की ये जिंदगी इसमें अगर इबादत की तरफ रुझान किया जाता है इबादत की तरफ दिल लगाया जाता है इबादत की तरफ माइल होते हैं तो ये इनशा हमें कब्र हशर में सुरखरू करेगी हजरत सही नबूदरदा रदी अल्लाह तु ने फरमाया सुबह रोजादार का हर बाल उसके लिए तस्वीर करता है बरोज क्यामत अर्श के नीचे रोजादारों के लिए मोतियों और जवाहिर से जड़ा हुआ सोने का दस्तरखान लगाया जा, बिछाया जाएगा तस्वर करें। अर्श के नीचे रोजादारों के लिए मोतियों और जवाहिर से जड़ा हुआ सोने का ऐसा दस्तरखान बिछाया जाएगा जिसका इहाता दुनिया के बराबर होगा इस पर किस्म किस्म के जन्नती खाने मशरूब फल फ्रूट होंगे वो खाएंगे पियेंगे ऐशो इशरत में होंगे हालांकि लोग सख्त हिसाब में होंगे ये मजे होंगे हजरत सैन अब्दुल्ला बिन रबी अल्लाह तरमाते कि क्यामत के दिन दस्तर खान बिछाए जाएंगे सबसे पहले रोजादार उन पर खाएंगे गदा गदाबीम तजर है खुल्द में नेकों की दावत का गदा गदाबी मजर है खुल्द में नेको खुदा खे, दिन खैर से लाए खुदा दिन खैर से लाए सखी के घर ज़ियाफत का खुदा दिन खैर से लाए सखी मुख्तसर सी जिंदगी में इबादत की लज्जत नसीब वो बड़ा खुश नसीब है इबादत की तरफ हमारा दिल माइल नहीं होता लज्जत नहीं मिलती नमाज भी पढ़ते हैं तो मर मर के पढ़ते मस्जिद में आते हैं तो बस जैसे दिल करता है कि बस इमाम साहब सलाम फेरे और हम भागें हमारा दिल नहीं लगता है अल्लाह से दुआ किया करें या अल्लाह हमारा दिल नेकियों में लगा इबादत में लगता नहीं दिल हमारा, दिल हमारा। है, इस या में बदमस्त हम या इलाही ये वो क्या वजह है वो वजूहत क्या है कि भाई इसको सुनते हैं तो ये तो रोजे रख रहा है मेरा दिल ही नहीं लग रहा नमाज पढ़ता हूँ मेरी तवज्जो ही नहीं होती या हालांकि चंद दिन हुए चंद माह हुए इसने नमाजें शुरू की मैं तो जनाब हाफिज़ साहब मैं तो जनाब कारी साहब मैं तो जनाब इबादत इसी तरह के सारे मामला में जानता हूँ मैं तो इतने महीनों से इज्तिमा में आ रहा हूँ इतने सालों से दावत इस्लामी के मदनी माहौल में वाबस्ता हूँ मेरा दिल नहीं लगता है तो ये इस दिल की भी तो धुलाई होनी चाहिए ना आंसुओं से हो कभी रात को तो सही रब की बारगाह में दुआ तो करेंगे मौला मुझे भी तिलावत की तौफीक दे रोजे रखने वालों का सदका मौला मुझे भी रोजे रखने की तौफीक दे तो ये लॉस जो दिन ब दिन मेरा बढ़ता जा रहा है मेरी उम्र कम होती जा रही है गुनाहों का बोझ बढ़ता जा रहा है नहीं किसी एक दिन भी ईमानदारी से तवज्जो के साथ कैलकुलेशन की ना आज का दिन मैंने गुजारा मैंने नेकियां कितनी की गुनाह कितने की सच कितने बोले झूठ कितने बोले अच्छा कितना देखा बुरा कितना देखा इबादत कितनी की मैंने गुनाहों भरे काम कितने किए किसी एक दिन भी अगर कैलकुलेशन करते ना तो वाकई हमारा अकाउंट सामने आ जाता है फिर, फिर होगा क्या हमारा तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों ये दिन ये रातें अल्लाह नसीब करे कि हम इन महीनों को इन दिनों को इन रातों को पाए लेकिन ये रातें आई किसी की उम्र अगर 40 साल है 45 साल है 50 साल है तो सोचे कि 50 साल मेरी जिंदगी के रजब आकर गुजर गए 50 साल मेरी जिंदगी के शाबान का महीना आकर गुजर गया 50 साल मेरी जिंदगी के माह रमदान आकर गुजर गए अब तो कोई ऐसा महीना हो कि जिसमें मैं रब की उस तरह इबादत करूं जैसा रब चाहता है उस तरह इबादत करूं जैसा मे मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु सल्हु वसल्लम ने जो फजाइल बयान किए तो इस तरफ आने के लिए अच्छी सोहबत बहुत ज़रूरी है अगर ऐसों की सोहबत इख्तियार की जो हमें इस तरफ रगबत नहीं दिलाते तो फिर हमारा तो जाहिर आना क्या आना इबादत की तरफ फिर बढ़ते नहीं है निकियों की तरफ बढ़ते नहीं है लेकिन ऐसों की तरफ आएंगे कि जो हमारी हौसला अफजाई करेंगे आए फैजान नमाज कोर्स कर लें अलहमद हर महीने की पहली ग्यारह और इक्कीस तारीख को आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना और मुल्क भर के अक्सर बड़े शहरों में फैजान मदीना में फैजान नमाज कोर्स होता है सिर्फ सात दिन का आपकी उम्र पचास साल है साठ साल है मैं आपको दावत देता हूँ एक मरतबा जिंदगी में सात दिन देकर देख लें आप हैरान हो जाएंगे कि यार जिंदगी गुजार ली मैं तो पता नहीं किस खुशफहमी में नमाजें पढ़ रहा था मेरी नमाजों में ये ये कमजोरियां हैं मुझे तो नमाज पढ़ना नहीं आती मैं पहली सफ में नमाज पढ़ता हूँ मुझे नमाज पढ़ना नहीं आती तो सात दिन का ये कोर्स हर एक अपने ऊपर लाजिम करे अमीर सुनत तो फरमा दे कि हर साल ये कोर्स करें ताकि रिन्यू हो इबादत की लज्जत हमें नसीब हो रोजों की लज्जत हमें नसीब हो आए अब तो मौका अच्छा है ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह अय्याम इन शाह ये निकियों में गुजारने का बेहतरीन मौका है आलमी मैदिन मरकज फैदान मदीना आ जाए मदनी मुजाकरों की बहारें होती हैं यहाँ पर तो रोज़ा रखने का सुबह अल्लाह सजैफ़ा रदी अल्लाह तन से रिवायत है कि रसूल सल्ला वसलम ने फरमाया कि जिसने महज अल्लाह की रजा के लिए कलमा पढ़ा वह जन्नत में दाखिल होगा और उसका खात्मा भी कलमे पर होगा और जिसने किसी दिन अल्लाह अल्लाहल की रिज़ा के लिए रोजा रखा उसका खात्मा भी इसी पर होगा और दाखिल जन्नत होगा और जिसने अल्लाह की रिज़ा के लिए सदका किया उसका खात्मा भी उसी पर होगा और वो दाखिल जन्नत होगा तो अगर मौसम गर्म हो जाए और रोजे रखने का सिलसिला हो जाए तो रखे कि सख्त गर्मी में रोजे रखने की ज्यादा फजीलत है हजरत सदना इबने अब्बास रदी अल्लाह नुमा फरमाते हैं कि नबी सलाम ने हजरत सईद अबू मूसा रदी अल्लाह तन को एक समंदरी जिहाद पर भेजा एक अंधेरी रात में जब किश्ती के बादबान उठा दिए गए तो हातिफ़ गैब से एक आवाज़ आई ए सफीने वालों रुको मैं तुम्हें बताऊं कि अल्लाजल ने अपने जिम्मे करम पर क्या लिया है हजरत सईन अबू मूसारदी अल्लाह ने कहा कि अगर तुम बता सकते हो तो जरूर बताओ उसने कहा कि अल्लाह अल्लाहल ने अपने जिम्मा करम पर लिया है कि जो शदीद गर्मी के दिन अपने आप को अल्लाह के लिए प्यासा रखे अल्लाह अल्लाहल उसे सख्त प्यास वाले दिन यानी क़ियामत में सैराब करेगा इमाम अबू बकर अब्दुल्ला अलमारूफ इबन अबी दुनिया किताबुलजूह में फरमाते कि उस दिन के बाद से हजरत सही अबू मूसा रदी अल्लाह खास उस दिन भी रोजा रखा करते थे कि इतनी गर्मी होती कि इंसान अपने फाजिल कपड़े भी गर्मी की वजह से उतारने पर मजबूर हो जाते थे कि, कि क्यामत के दिन अजर मिलेगा क्यामत के दिन सवाब मिलेगा तो ये, ये बरकतें हमें चाहिए तो हमें रोजे रखने की आदत बनानी चाहिए और दुआ करनी चाहिए अल्लाह लना फी रजब्यू व शाबाना व बलना रमदान हदीस पाक में कि जब महीना रजब का महीना आता हमारे प्यारे नबी ये दुआ पढ़ते थे कि ए अल्लाह तू हमारे लिए रजब और शाबान में बरकतें अता फरमा और हमें रमदान तक पहुँचा अल्लाह हम सब को बखैरोत ये मुबारक महीना नसीब करे और अल्लाह इसमें इबादत की लज्जत नसीबर तो रोजे से होंगे और लोगों को खाता पीता देखेंगे और सब्र करेंगे तो सवाब स्वबीन मिलेगा लेकिन यहाँ अपने आप को बचाना है क्योंकि रमदान का महीना होता है तो तो यूं तो सब जो रोजा नहीं भी होता है वो भी अपने आप को रोजादार दिखाता है क्या लोग क्या कहेंगे लेकिन रजब का महीना हो रोजा हो अब शैतान गुदगुदी करता है कि यार पता तो चले कि मैंने रोजा रखा है ए? पता तो चले मैंने रोजा रखा है यार और पता कैसे चलेगा तो फिर वो ड्रामा करते यार आज गर्मी नहीं है ज्यादा है आज बहुत गर्मी है तो कोई कहेगा हजरत पानी पिलाओ आपको कहेगा नहीं यार वो रजब का महीना है ना अहमदुल्ला मैं रोजा रोजा रखता हूँ अब ये बताने का मकसद क्या भाई बताने का मकसद अगर ये कि लोगों में वाहवा हो जाए लोगों में शोहरत हो जाए कि ओहो छो रोदा रखा है ए, दुकान पे बैठते रोजा रखा है मजदूरी करते रोजा रखा है और ये भाई कॉलेज में पढ़ता रोजा रखा है यूनिवर्सिटी में पढ़ता रोजा रखा है अब ये खुश हो रहे हैं क्या सबको पता चल गया रोजा रखा है तो फिर सवाब की उम्मीद ना रखी जाए ये तो रियाकारी हो गई ये तो रियाकारी हो गई ये तो दिखावा हो गया और फरमाते हैं कि जो रियाकारी करता है जो लोगों को दिखाने के लिए नेक अमल करता है उस शख्स को कयामत के दिन कहा जाएगा ए रिया ए जा जाकर उनसे अजर ले जिनको दिखाने के लिए तो अमल किया करता था फिर सवाब की उम्मीद ना रखी जाए और हाँ अगर रोजा है कोई पूछे तो झूठ नहीं बोलना है झूठ नहीं बोलना है बता उस वक्त लेकिन अल्लाह जानता है नीयत की दर की वो क्या माहौल बनाता के लोगों को बताना पड़ा कि भाई रोज़ा है और अगर कहीं जाए गए और रोजादार के सामने खा रहा है पी रहा है सुबह अल्लाह इसकी इसका सवाल सुनिए हजरत सैदत उम्मारिया रदी अल्लाह तरमाती नबी पाक सल्ला वसलम मेरे पास तशरीफ़ लाए तो मैंने आप सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम की खिदमत में खाना पेश किया तो इर्शाद फरमाए तुम भी खाओ मैंने अर्ज की मैं रोजे से हूं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक रोजेदार के सामने खाना खाया जाता है फिरिश्ते उस रोजादार के लिए दुआए मगफिरत करते रहते हैं एक रिवायत में कि खाने वाला जब तक पेट भर ले एक और रिवायत सुनिए हमारे प्यारे नबी सल वसल्लम ने हजरत सीना बिलाल रदी अल्लाह तुम से फरमाया ए बिलाल आओ नाश्ता करें तो सही ना बिलाल रजी अल्लाह तआला ने अर्ज की कि, कि मैं रोजे से हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व वसल्लम ने फरमाया कि हम अपना रिस्क खा रहे हैं हम अपना रिस्क खा रहे हैं और बिलाल रजी अल्लाह तआला का रिस्क जन्नत में बढ़ रहा है फिर फरमाया ए बिलाल क्या तुम्हें मालूम है कि जितनी देर रोजादार के सामने खाना खाया जाता है तो उसकी हड्डियां तस्वीर करती हैं और मलाइका उसके लिए इस्तफार करते रहते हैं अल्लाह हमें इबादत की लज्जत नसीब फरमाए इबादत की सही मानों में लज्जत मिल जाए तो क्या बात है मदीने की जो बकिया जिंदगी है बस ये इबादत में गुजर जाए तिलावत में गुजर जाए रोजों में गुजर जाए नफली इबादतों में हमारा दिल लग जाए और अगर कजा है तो अल्लाह उनको भी जल्द अज जल्द अदा करने की हम सबको तोहफी कता फरमाए अब अगर रोजे में किसी का इंतकाल हो जाए अल्लाह मोमिनीन आयशा अल्लाहबरत सदना रहा यह रिवायत करती हैं कि मीठे मुस्तफ़ा सल्लाम ने इशाद फरमाया कि जो रोजे की हालत में मरा अल्लाह उसके हिसाब में रोजे लिख देगा जो रोजे की हालत में मरा अल्लाह त्यामत में रोजे लिख देगा सुबहान अल्लाह खुश नसीब है वो मुसलमान जिसे रोजे की हालत में मौत आए बल्कि ये बड़ी प्यारी बात अमीर सुन्नत ने फैजान सुन्नत में लिखी कि किसी भी नेक काम के दौरान मौत आए ये अच्छी अलामत है मसलन बावजू था मौत हो गई नमाज पढ़ रहा था मौत हो गई मदीने का सफरदर मौत हो गई मुजलिफा में या अराफात में फौदगी हो गई दावत इस्लामी के सन्नतों की तरबियत के मदनी काफले में सफर के दौरान ये मौत हो गई तो ये दुनिया से इस तरह रुखसत होना ये अजीम हैं और सिर्फ खुश नसीबों ही को हासिल होती हैं और इस सिलसिले में साहबा कराम अली मरिदवान की नेक तमन्नाएं बयान करते हुए हजरत सयदना खैसमा रजील् तु फरमाते के साबा कराम अली मरिदवान इस बात को पसंद करते थे इंतकाल किसी अच्छे का मसलन हज में उमरे में गजवानी जिहाद में रमदान के रोजे वगैरह के बाद हो अल्लाह हमको भी अच्छी मौत नसीब फरमाए दावत इस्लामी के मदनी माहौल की सुबह अल्लाह क्या बात है औलिया अहमदाबाद शरीफ हिंद इसमें एक साहिब थे जिनका नाम कालू चाचा कहते थे, थे उम्र इनकी साठ बरस थी रमजान शरीफ में उन्होंने दावत इस्लामी के मदनी माहौल में जो एहतिकाफ होता है वो एहतिकाफ कर लिया मैं इसीलिए अर्ज कर रहा हूं कि जो इस तरह के माहौल अपनाते ना तो नेकी की तरह रगबत होती है तो एहतिकाफ में बहुत कुछ सीखने को मिला एक बात जो उन्होंने सीखी वो क्या कि पहली सफ़ में नमाज पढ़ने की आदत बना ली नमाज पढ़ते थे पहली सफ में अब दो शवालमकरम ईद उल फर के दूसरे रोज तीन दिन के मदनी काफले में आशिका ने रसूल के साथ सफर कर गए अब सफर के बाद जब वापसी हुई तो जारे नेकियों का जज्बा तो था ही। तो ग्यारह सवाल यानी एक हफ्ते बाद किसी काम से बाजार जाना हुआ मसरूफियत भी दी मगर आजान होते ही जहन बना गया अगर देर से जाऊंगा तो पहली सफ निकल जाएगी तो आजान होते ही सारे काम छोड़े पहली सफ पाने के लिए मस्जिद में आ गए अजान से मतलब अजान से पहले ही ये मस्जिद की तरफ आ गए कि मैं पहली सफ पा लू अब लिखा गया कि आजान से कबल ही मस्जिद में पहुंच गए वजू करके ही खड़े हुए गिर पड़े कलमा शरीफ और दुरुदे पाक पढ़ते हुए उनकी रूह कफसे उनसरी से परवाज कर गई इन्ना, इन्ना राजिऊन एतिकाफ तो की बरकत मदन इनामत पर अमल करने का जज्बा और पहली सफ में नमाज पढ़ने के इस मिले हुए जज्बे ने कालू चाचा को इंतकाल के वक्त बाजार की गफलत भरी फजाओं से उठाकर मस्जिद की रहमत भरी फजाओं में पहुंचा दिया और खुश नसीबी कैसी कि आखिरी वक्त जबान पर कलमा तयबा जारी हुआ और सुबह अल्लाह जिसको मरते वक्त कलमा शरीफ नसीब हो जाए उसका क्या कहना कि के हमारे प्यारे नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु साल वसल्लम का फरमाने जन्नत निशान है जिसका आखिरी कलाम ला लाला हो वो दाखिले जन्नत होगा अल्लाह हमको भी मौत के वक़्त शहादत पढ़ना नसीब फरमाए कलमा तय्यबा पढ़ना नसीब फरमाए और इंतकाल के चंद रोज के बाद उनके फर्जंद ने ख्वाब में देखा कि मरहूम कालू चाचा सफेद लिबास में मलबूस सर पर इमामा शरीफ का ताज सजाए मुस्कुराते हुए फरमा रहे हैं कि बेटा दावत इस्लामी के मदनी कामों में लगे रहो कि इसी मदनी माहौल की बरकत से मुझ पर करम हुआ, है।, हुआ है तो इसीलिए अमीर सुन्नत भी फरमाते हैं कि अपने बच्चों को भी समझदार जो बच्चे हैं इनको भी में मिलाए तो ये दावत इस्लामी के मदनी माहौल में अलहदुल्ला इसका जज्बा दिलाया जाता है जहन मिलता है और भी नफली रोज़ों का अगर आपको सवाब और मजीद मालूम लेनी इसकी शरिय अहकाम भी हैं इसमें काम काज करने वाले नौकरी करने वालों को किन किन एहतियातों के साथ रोज़ा रखना है इस हवाले से इसके तफसी अहकाम फैदान सुन्नत, ये पहली जल्द जो है इसमें पूरा बाब है नफल रोज़े रखने वालों के फजाइल और इसी तरह इनकी हकयात कि बुज़ुर्गों की सीरत के ऐसे वाक़ा जिनमें उनको नफल रोज़े रखने का शौक़ होता था वो इस तरह से रोजे रखा करते थे तो अल्लाह ताली हमको इबादत की लज्जत नसीब फरमाए आमीन नबी सल्लल्लाहु ताला अली वाली वसल्लम तो